सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 17 फरवरी। मैं आ चुका हूँ कोलकाता से अपना रूम फ्लैट पे, जो कि बुल्ला संबलपुर में मैं हूँ अभी। और फाइनली इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको एक एक डिटेल सारा बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि पायोनियर XDJ RX3 में क्या क्या है, क्या फीचर्स नया है मेरे वो कंसोल से। लेट्स गो। तो गाइस, ये अभी पैक्ड है एक्चुअली, इसको खोलते हैं पहले सारा। पहले रस्सी खोल देते हैं, इसका सारा काट देते हैं, देन इसका बॉक्स ओपन करते हैं। दो बॉक्स है, पहले इसका एक नॉर्मल बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है ऑल वन सिस्टम, देन उसके बाद इसका फोटो वाला बॉक्स, दो बॉक्स करके लिया गया है। तो पहले साइड से काट देता हूं, पूरा शानदार। तो इसमें आप देख सकते हो गाइस, इसमें कवर वाला सिस्टम दिया हुआ है, लाइक ये कवर्स ऐसे लॉक वाला सिस्टम दिया गया है इसमें, आप देख सकते हो। एंड इसको एक उस तरफ जाएगा, एक फॉर्म इस तरफ आएगा, ऐसे ये पैक्ड किया हुआ है पूरा। एक में इसका पावर केबल दिया हुआ है, एक इसका USB केबल दिया हुआ है। तो अभी इसको निकाल कर साइड कर देता हूँ इस तरफ। ऊपर से कवर करता हूँ गाइस, पहले इसको निकाल के सीधा रख देता हूँ उसको, देन अप करके इस तरफ। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं इसको निकाल चुका हूँ अभी। और इसके अंदर इसका वारंटी पेपर है, बिल है, ये इसका वारंटी पेपर है, ये इसका बिल है, ये सामने वाला एक दूसरे टेबल पे मैं इसको असाइन किया हूँ, आप देख सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो पहले इसका ट्यूटोरियल का एक पेज दिया गया है, आप स्कैन करके पीछे देख सकते हो इसका कैसे यूज़ करते हैं क्या। इसके ऊपर एक पेपर का कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास वगैरह इसका। एंड ये DDJ 400 से तो काफ़ी बड़ा है, मैंने सोचा इतना बड़ा ले रहा हूँ तो XDJ XZ ले लूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि वो काफ़ी बड़ा है, ये इस टेबल से भी बड़ा है, इसको कैरी करने में बहुत इश्यूज होगा, इसलिए मैं ये लिया हूँ। ये हमारा पायोनियर XDJ RX3। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर पेपर्स दिया है, इसका क्विक स्टार्ट गाइड दिया हुआ है, ट्यूटोरियल दिया हुआ है कैसे क्या कनेक्ट करते हैं, सब अच्छे फॉर्म में दिया हुआ है गाइज। लोड बटन्स वगैरह पर एक अच्छा असाइन डिज़ाइन में दिया हुआ है गाइज, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे पायोनियर कनेक्ट करना है और कैसे इसमें टर्न टेबल कनेक्ट करना है, सब कुछ दिया हुआ है। ये एक नए वे में बनाया गया, लाइक पहले इसका ऐसे पेपर नहीं, इसका बुकलेट आता था, एक न्यूज़पेपर टाइप के फॉर्म में पूरा बनाया गया है ये। आप देख सकते हो सारा गाइड इसमें लिखा हुआ है, कितना इसका स्पेस है, कितना क्या है, एवरीथिंग ऑल डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है गाइज। एंड जितना मैं जानता हूँ गाइज, इसका स्क्रीन काफ़ी अच्छा है, सारे जितने इसके ऑल इन वन XZ आते हैं, RX3 आता है, RX2 हो गया, जो ओमनिस डुओ है, सारे सबसे बड़ा इसका स्क्रीन है। तो पहले इसको हम लोग लाइन इनपुट करते हैं इसमें, तो आप देख सकते हो मैं इसको अभी लाइन दे रहा हूँ। एंड उससे पहले मैं आपको आगे पीछे सब दिखा दूँ इसका, ये देख सकते हो गाइस इसका पूरा लुक। अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया है क्योंकि इसका स्पीकर्स कनेक्शन वगैरह देना है। ये आप देख सकते हो मास्टर आउटपुट है, इसमें दो टो दिया हुआ है, लेफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट राइट, इसमें RC आउटपुट भी दिया हुआ है, ये बूथ के लिए है, ये मास्टर 2 है, RC आउटपुट मैक्सिमम जहाँ पर RC रहता है, ये लेफ्ट राइट बूथ के लिए है, यहाँ से हमारा वो USB आउटपुट निकलेगा, ये चैनल 1 चैनल 2 इसके लिए दिया गया है गाइस, टर्न टेबल एड्स करने के लिए, कुछ और लाइक डायरेक्ट हमें मिक्सर यूज़ करना है सिर्फ वो यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे दिया गया है लाइन ऑक्स लाइन के लिए। और ये है गाइस माइक, माइक 1 माइक 2, मैंने माइक भी लाया, आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा पावर केबल, इसको मैं अभी ऑन करूँगा सामने से, तो अच्छा व्यूज़ आएगा। तो मैं सामने से इसको ऑन करूँगा, उससे पहले आपको इधर दिखा दूँ, इधर आपका हेडफोन के लिए 2 दिया हुआ है, एक बड़ा वाला जैक दिया है, एक छोटा वाला जैक दिया है, दोनों साइड पायोनियर DJ लिखा हुआ है गाइस, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड बॉक्स सेरेटो लिखा हुआ है, एंड इसमें फ़िलहाल थोड़ा सा हमें वो ले रहा है, करंट दे रहा है, क्योंकि मैं अभी नीचे हूँ, शूज़ भी नहीं पहना हूँ इसलिए गाइस। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे USB 1 USB 2 का शॉर्ट दिया हुआ है, USB 1 USB 2, सारे बटन सेम है गाइस। थोड़ा बहुत इसमें फीचर्स दूसरा ये है कि
पहले ये RX1 RX2 में ये सब माइक का उतना फैसिलिटीज़ नहीं दिया गया था। एंड स्क्रीन आप देख सकते हो गाइस इसका, इसको मैं ऑन करता हूँ फिलहाल। इसको मैं ये ऑन किया, कितना सुंदर दिखता है ऑन, देखिए ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो रहा है। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है गाइस सारे ऑल इन वन सिस्टम से। तो गाइस मैं इसमें लगाने लगा अभी पूरा सारे आउटपुट्स माइक वगैरह जो जो मैंने नया नया लेकर आया है। पहले मैं इस पे RC आउटपुट दिया क्योंकि XLR नहीं था मेरे पास। मैं अपना HS5 से इसको कनेक्ट किया विद द माइक। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने इसमें RC आउटपुट लगाया क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास XLR नहीं है। एंड ये ऑन है फिलहाल, अभी कनेक्ट हो चुका है स्पीकर से। मैं आपको अपना माइक दिखा दूँ नया। ये है माइक का वायर जो कि 5 मीटर का मुझे मिला है। ये है अहुजा AUD98XLR और इसके अंदर है हमारा माइक। लेट मी शो यू एक कवर के अंदर किया हुआ है कवरिंग। ये आप देख सकते हो गाइज, ये आप देख सकते हो गाइज, ये है हमारा माइक। और इसका भी मैं केबल के साथ कनेक्शन करता हूँ। ये ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी आपको 5 मिनट पूरा सही दिख रहा होगा। एंड इसमें हम लोग डालेंगे अपना भी सैंडिस्क का 3.1 पेनड्राइव 128 GB का है वो मेरा USB 1 पे। हमारा साउंड वगैरह सब स्लो कर लूँ पहले। ये मैंने लगाया, पहले माइक चेक कर लेते हैं। छक 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 स्पीकर छक 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 छक। आप देख सकते हो गाइस माइक चल रहा है। यहाँ से हम लोग माइक वन पे ऑन किए हैं अभी, और आपको मेरा आवाज़ अभी स्पीकर से ही आ रहा होगा आई थिंक सो। यस, इस पे हम लोग अभी थोड़ा देते हैं रिवर्ब। आप यहाँ पे से देख सकते, आप यहाँ पे देख सकते हो माइक सेट करना है हमें। बस हम लोग माइक सेट किए हैं यहाँ पे। एंड इस पे दूंगा मैं फिलहाल अभी एको। ऑन किया यहाँ से मैं, यहाँ से ऑन किया मैं एको एफएक्स। यहाँ से मैं ऑन किया एको एफएक्स। आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा साउंड साउंड कर रहा है। यहाँ से हम लोग टाइम उसका कम पीसी कर सकते हैं, 1 बीट 1/4 1/6। एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। एंड यहाँ से हम लोग को ये लेवल भी देते ऑप्शन है, यहाँ मिक्स मैक्स, यहाँ हमारा एको लॉक लिया है। अभी सारा साउंड अच्छा लगा क्योंकि मैं बदल से बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बदल से बोल रहा हूँ। एंड स्पीकर से साउंड आ रही थी, थोड़ा सा बात देते हैं। आप एफएक्स ऑप्शन देख सकते हो, इसमें डीजे दिया हुआ है, डीजे है, एको है। मैं साउंड दे रहा हूँ, ये भी कौन है, स्पाइरल, रिवर्ब, रिवर्ब, ट्रांस, फिल्टर, फेंगर, फेजर्स, पिच, 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 काफी सेक्सी साउंड का पिच। स्पील रोल, सॉरी, स्पील रोल, अब इसका USB सेट करते हैं गाइस। एंड मैं माइक बंद करता हूँ क्योंकि डबल साउंड आ रहा होगा। आपको माइक टेस्ट करके दिखा चुका हूँ। तो गाइस अब इसका सोर्स में हमें जाना है। मैंने USB लगा चुका है अपना, प्लेलिस्ट में जाना है, USB लिंक हो चुका है गाइस। एंड थोड़ा सा टेक हाउस वगैरह प्ले करते हैं। पहले इसको BPM वाइज शॉर्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है गाइस। ये है इसका सोलर बटन, यहाँ पे ये ब्लैक बसन दिया हुआ है, बैक बटन। ये टैक एंड ट्रैक रिमूव बटन, ये लोड बटन 1 एंड 2 दूसरे डेक पे जाने वाले। ये ट्रैक एडिट बटन है गाइज, ये शॉर्टकट बटन जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे सोर्स बटन दिया है क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड मैंने उसको टच किया तो ये सब ओपन करके रखा था। ब्राउज ऑप्शन, यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन है, उसका टैग लिस्ट ऑप्शन है, आपको पता है टैग लिस्ट क्या है। उसके बाद प्ले लिस्ट ऑप्शन, मेरे को प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाना है तो यहाँ से प्ले लिस्ट ऑप्शन दिया हुआ है गाइज। उसका सर्च, सर्च भी टच स्क्रीन है साइज एक पूरा गाइज। लाइक ये जो है ना हमारा जो प्रोडक्ट है ये टच स्क्रीन है। आप देख सकते हो मेरे को देवा देवा सॉन्ग सॉन्ग शुरू करना है, ये गाना है देवा देवा। फुल्ली टच स्क्रीन है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस देके देवा देवा से मैं अपना सॉन्ग शुरू करता हूँ। देवा 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 देवा, कहाँ गया मेरा फेवरेट वाला। यस, ये पीयूष बजाज का रिमिक्स है और भी है इसके, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँचा। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट दबाया तो मैं प्लेलिस्ट आ गया। मैं टेक हाउस प्ले करूँगा थोड़ी देर, आपको पहले दिखा दूँ दूसरे सॉन्ग भी चूज़ कर कर। मैं एडिट्स ही प्ले करता हूँ फिलहाल क्योंकि मैं कोई भी लाइक
ओरिजिनल्स प्ले करूँगा तो सब कॉपीराइट आ जाएगा गाइज। इसको मैं आरजीबी कर सकता हूँ, आरजीबी करके आपको दिखाऊंगा। ये है वॉल्यूम वन, ये फेडर है गाइज, वॉल्यूम वन फेडर है, वॉल्यूम टू चैनल वन चैनल टू आप देख सकते हो, ये मास्टर वॉल्यूम है बीच में, और साइड साइड में है जो है वो चैनल वॉल्यूम है। ये है गाइज जॉग व्हील, ये है जॉग व्हील का एडजस्ट करने के लिए आपको कितना चाहिए, मैं इसको एडजस्ट कर चुका था वहीं पर। ये है हमारा टेम्पो, टेम्पो सेट करने के लिए। ये हमारा सिंक बटन, ये इसका मास्टर बटन, सिंक लाइक जैसे कौन सा यूज़ करना है। ये है वाइनल बटन, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो वाइनल इसमें गाइज वाइनल एडजस्ट के लिए आपको स्पीड ऑन ऑफ करना होगा, बाकी में जो ऐसे फैले वाला इसमें नहीं दिया गया था गाइज सब में। ये इसका लूप बटन जैसे कि उसमें था, ये इसमें ट्रैक सर्च बटन है, ये चेंज करने का ऑप्शन, आगे बढ़ाने पीछे बढ़ाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है गाइज इसमें। एंड इसमें हॉट क्यूज़ है, चार हॉट क्यूज़ है, और ये है हमारा क्यू बटन, ये हमारा प्ले बटन। तो हम लोग अपना सॉन्ग को शुरू करते हैं गाइस भगवान का नाम लेकर। ये बीट है, बीट जंप है गाइस, स्लीप रोल है, बीट लूप है, एवरीथिंग है गाइस। एंड ये जो बीच में जो क्रॉस फेडर है गाइस, इसको मैं ऑफ कर दिया हूँ कुछ फिलहाल। दूसरा सॉन्ग का बीपीएम मैच कर लेते हैं गाइस। आप देख सकते हो गाइस काफी टच स्क्रीन है, ये सारा टच पे ही जा रहा है। आप देख सकते हो गाइस माइक से भी मैं यूज कर रहा हूँ। फिलहाल इसमें दूसरा ट्रैक ऐड कर रहा हूँ गाइस मैं मिक्स करने के लिए, ये बिल्डअप आ रहा है उसका गाइस। तो ये ऐसे वॉक करता है गाइस, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स दिया गया है। एंड ये हमारा ऑक्स ऑप्शन, जो ऑक्स लगाएंगे हमने फ़ोन में, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया लाइन से, अगर टर्न टेबल यूज़ करते तो लाइन यूज़ होगा, फोनो यूज़ करते फोनो, दोनों तरफ दिया हुआ है। फिलहाल मैं डेक डेक पे सेट करके रखा हूँ गाइस। अब बाकी जैसे सब नॉर्मल जो होते हैं सारे कंसोल में वैसे दिया हुआ है, काफ़ी सुंदर है गाइस ये सामान। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे, और आई होप जल्दी इसके बहुत सारे बुकिंग्स आए, अभी दो चार बुकिंग्स है एंड इसको सेट करने में मेरे को दो चार दिन लगे हैं। दैट्स इट, काफ़ी अच्छा है गाइस, टच स्क्रीन पूरा किया हुआ है ये, आप देख सकते हो। ऐसे गाना चूज़ करना चूज़ कर सकते हो, इसी से लोड करना चाहोगे तो लोड कर सकते हो, यहाँ से प्लेलिस्ट जाना चाहते हो प्लेलिस्ट, बहुत सारे नए फीचर्स है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, सी यू।